अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस प्रकार का इन्फ्लेशन पाया जाता है और इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ता है और इसको कम करने के लिए क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट के मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होता है। इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो बेसिकली अगर इंडिया के टर्म में इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों पाया जाता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अगर बात करें तो इंडिया में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन वो जो है ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इंडिया में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन पाया जाता है। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब बॉटल नेक इन्फ्लेशन, यानी कि शॉर्ट फॉल्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे कि प्याज और दाल की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाती है। तो इंडिया में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन पाया जाता है क्योंकि जो सप्लाई होती है वो एग्रीकल्चरल से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफेक्ट होने से जो है उस प्याज और दालों की कीमत में जो है बढ़ोतरी होती है। या अदर गुड्स की बात करें जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं, तो एग्रीकल्चर में डिफेक्ट होने से या कम जो है प्रोडक्शन होने से या प्रोडक्शन के जो है ख़राब होने से या कुछ नेचुरल हैजार्ड्स होने से जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे पूरा एक स्ट्रक्चर जो है इंडियन इकोनॉमी का वो प्रभावित होता है। यानी कि जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड इंडस्ट्री रहेगी वो प्रभावित होगी और उस इंडस्ट्री पे डिपेंड जो इंडस्ट्री होगी वो प्रभावित होगी और फाइनल गुड्स जो होगा उसके प्राइस लेवल में इंक्रीजमेंट होगा। तो ये जो है अब क्यों ये जो है स्ट्रक्चरल जो है इन्फ्लेशन जो इंडिया में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो इन्वेस्टेबल कैपिटल है वो कम है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जो फार्मर्स हैं उनके पास जो है कैपिटल या पैसे जो है कि लैक होने की वजह से वो एग्रीकल्चर में हाई टेक्नोलॉजिकल या हाईटेक जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है या कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन काम किया जा सकता है या हाईटेक एग्रीकल्चर को बनाया जा सकता है वो नहीं हो पाता है, जिससे कम से कम प्रोडक्शन जो है अदर कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तुलना में यहाँ पर कम प्रोडक्शन होता है। तो इन्वेस्टेबल कैपिटल जो है वो चाहे इंडस्ट्री में हो या एग्रीकल्चर में हो उसके वजह से जो है प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट में प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट नहीं हो पाता है, जिससे बॉटलनेक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इंडिया में पाया जाता है, जो कि किसी भी एक स्ट्रक्चर के पार्ट्स के डिफेक्ट पार्ट में डिफेक्ट होने से या उस स्ट्रक्चर का जो पार्ट है चाहे वो एग्रीकल्चर हो या सर्विस सेक्टर हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो या इंडस्ट्रियल आउटपुट हो या प्रोडक्शन हो लेबर हो, उसके किसी में भी डिफेक्ट होने से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफेक्ट होता है और एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में आ जाता है। इसके बाद अगर इंडिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें अब ये जो आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर बात करें
तो इंडिया में जो है प्रोडक्शन जो है कॉस्टलियर हो जाने के कारण जो है उस यहाँ पे जो है जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो कॉस्ट उस इन्फ्लेशन जो है इंडिया में आ जाता है। इसके बाद अब ये कॉस्ट जो है पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है या इन प्रोडक्शन कॉस्टलियर क्यों हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल या गवर्नमेंट जब टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया जो कि एग्रीकल्चर में हो गया या सप्लाई साइड में हो गया या प्रोडक्शन के किसी एक फैक्टर की कीमत बढ़ गई या उसमें कुछ डिफेक्ट है गया, लेबर में डिफेक्ट आ गया, लेबर कम हो गए, शॉर्टेज हो गया, या जो है वेजेस इंक्रीज हो गई जो कि बहुत सारे ट्रेड यूनियन वगैरह मिलके जो है वेजेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर जो है गुड्स के प्रोडक्शन कॉस्ट पे पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट जो है रॉ मटेरियल पे जो होती है स्ट्रक्चरल फैक्टर और इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है या जो है गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्स ज़्यादा लगा दे, जैसे कि जीएसटी है, इस समय जीएसटी ज़्यादा बढ़ गई तो प्रोडक्शन जो है कॉस्ट क्या होती है ज़्यादा हो जाती है, या जो है गवर्नमेंट जो है अदर जो रॉ मटेरियल हैं उनके जो है कस्टमर ड्यूटीज़ को बढ़ा दे तो उससे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में महंगी हो जाती है, जिसको जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। अब जो है दूसरा जो अगर इम्पैक्ट देखें कि इंडिया में दूसरा अगर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्यों होता है, तो वो हाई फिजिकल डेफिसिट के कारण भी होता है। अब हाई फिजिकल अगर फिजिकल डेफिसिट हो गई, फिजिकल डेफिसिट क्यों होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेस या एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो जाती है तो हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और जब हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो गवर्नमेंट को जो है सब्सिडीज ज़्यादा देनी पड़ती हैं, वो चाहे सैलरी हो या पेंशन हो वो बढ़ाना पड़ता है, जिससे जो है फिजिकल डेफिसिट के कारण जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ती जाती है, करेंसी फ्लो जो है कंट्री में जो है लिक्विडिटी फ्लो ज़्यादा हो जाता है और जिससे इन्फ्लेशन जो है आता है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट भी एक कारण है जिससे जो है इन्फ्लेशन होता है। तो अब हम इस इंडिया में इन्फ्लेशन के कॉजेज और उसके टाइप्स को देखने के बाद अब उसके इंडिया में इन्फ्लेशन के टाइप्स को देखने के बाद उसके कॉजेज को देखने के बाद अब उसके उसको कम करने के क्या क्या मेजर्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के होने चाहिए उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो मेजर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि अगर मार्केट में जो है करेंसी का फ्लो ज़्यादा है, मनी का फ्लो ज़्यादा है, तो उसको जो है बैंक रेट या रेपो रेट जो एक मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं उसके थ्रू जो है या CRR उसके थ्रू जो है मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो है
क्या किया जा सकता है कि फिजिकल डेफिसिट को कम से कम रखा जाए। दूसरी बात जो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया जाए, और जो है टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए, सेविंग को बढ़ाया जाए, जो कि इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के स्ट्रॉन्ग फिजिकल पॉलिसी के मेजर्स हैं, जिसको अडॉप्ट करके स्ट्रॉन्गली जो है इंडिया जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी बात अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, यानी कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन होने से जो है टाइम बाउंड मैनर में गुड्स का जो है के डिमांड को पूरा करने के लिए उसकी सप्लाई जो है टाइम से होगी, जिससे जो है डिमांड और सप्लाई में मिसमैचअप नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगी कि इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे जो है हम इन्फ्लेशन को इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए, जिससे जो है इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। तीसरी अगर नेक्स्ट इसके बात कहें तो मिनिमम प्राइस सपोर्ट, दूसरी बात मिनिमम प्राइस सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट। तो एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट दोनों को जो है मिनिमम प्राइस सपोर्ट जो है वो देना चाहिए। अब इसके बाद जो ऐसे गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फूड आर्टिकल्स जो हाईली वोलेटाइल्स होते हैं, फूड आर्टिकल्स शुड बी इन टॉप प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जैसे ऑनियन हो गए, पल्सेस हो गए, वो गवर्नमेंट के जो है ऐसे ये फूड आर्टिकल्स हैं जो गवर्नमेंट्स के टॉप जो है प्रायोरिटी में होने चाहिए, कि इनके प्रोक्योरमेंट, इनके प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा, इनके स्टोरेज और इनके होल्डिंग को कम से कम किया जाना चाहिए। और दूसरी बात गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके, मेजर्स टू मिनिमाइज और रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने पे भी जो है इन्फ्लेशन में जो है कंट्रोल लाया जा सकता है। तो और जो है ये आपका कुछ मेजर्स रहा जो इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि इस टाइप से जो है इस मेजर से जो है गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में कम कर सकती है। थैंक यू।